कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या ने पूरे देश को सदमे में ला दिया है। राजनीतिक उफान और विरोध प्रदर्शनों के बीच इस मामले में रविवार को सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 4 घंटे तक चला। आरोपी संजय रॉय के अलावा रविवार को ही कोलकाता के सीबीआई कार्यालय में 2 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इससे पहले शनिवार को मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष समेत 4 अन्य लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये टेस्ट कैसे होता है, इसका आविष्कार कब हुआ और कहां हुआ, और अदालतों में इसकी स्वीकार्यता कितनी है, इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है जो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है, जैसे हृदय गति, रक्तचाप, सांस लेने की दर, त्वचा की विद्युत प्रतिरोधकता और मांसपेशियों की गतिविधि। परीक्षण के दौरान व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, जैसे हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और उसकी सांस लेने की दर में तेजी आ जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाएं प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान कैसे बदली। यदि परिणामों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है तो वह व्यक्ति के झूठ बोलने का संकेत हो जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट की सटीकता पर सवाल उठाए गए हैं। इन टेस्ट का कानूनी और नैतिक संदर्भ अक्सर विवादित रहता है। भारतीय कानूनी प्रणाली में पॉलीग्राफ टेस्ट को स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन ये जांच प्रक्रिया में सहायक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। 19वीं सदी में इटली के क्रिमिनोलॉजिस्ट सेसारे लोम्ब्रोसो ने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में बदलाव को मापने के लिए झूठ पकड़ने वाली एक मशीन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मार्स्टन और वर्ष 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन ने भी इस तरह का एक उपकरण विकसित किया। 1923 में अमेरिका की एक अदालत में पहली बार पॉलीग्राफ परीक्षण के निष्कर्षों को साक्ष्य के रूप में दर्ज करने का प्रयास किया गया। अमेरिका में पॉलीग्राफ की पहली वैज्ञानिक समीक्षा 1965 में की गई थी। लियोनार्ड कीलर और लार्सन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इस उपकरण को सेट करने में लगने वाले समय को कम करके इसके रिजल्ट के लिए स्याही का उपयोग शुरू कर इसे और बेहतर बनाया। लियोनार्ड कीलर और लार्सन ने 1931 में अपने आधुनिक और संशोधित उपकरण को पेटेंट कराया। ये दोनों पॉलीग्राफ के लिए सबसे पहले पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। टेस्ट के दौरान त्वचा की प्रतिक्रिया में परिवर्तन होना और पसीना आने जैसे लक्षणों को 1939 में कीलर ने इसमें शामिल किया। कीलर ने एक पॉलीग्राफ इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी जो पॉलीग्राफ परीक्षण में विशेषज्ञता रखता है। भारत में कई महत्वपूर्ण मामलों में पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग हुआ है। ये टेस्ट सुरक्षा संबंधी मामलों, अपराधों की जांच और कुछ मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान साक्ष्य के रूप में उपयोग किए गए हैं। अब एक नजर डालते हैं उन प्रमुख घटनाओं और केसेस पर जहां पॉलीग्राफ टेस्ट उपयोग हुआ। 2001, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद भारत के कई संदिग्धों और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में इस टेस्ट का उपयोग किया गया। 2008, मुंबई आतंकवादी हमला। मुंबई आतंकवादी हमले में अजमल कसाब समेत इस मामले से जुड़े कुछ संदिग्धों पर पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए थे। 2010, आरुषि हेमराज मर्डर केस। आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग किया गया था। आरुषि तलवार और हेमराज की हत्या के मामले में कई संदिग्धों और गवाहों पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। 2017, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केस। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मामले में भी पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग किया गया। NDTV ऑनलाइन की रिपोर्ट।